यूपी के राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग और सपा बसपा विधायकों के बीजेपी के लिए धड़कते दिल। पहले सपा के दर्जन भर विधायकों ने अपनी पार्टी को दरकिनार करके कमल के नाम पर वोट डाल दिया, लेकिन अब बसपा के एकमात्र विधायक भी बीजेपी की झोली में जा गिरे हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ को वोट डाला है। उमाशंकर सिंह यूपी विधानसभा में बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट डाल दिया है। दरअसल यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें बीजेपी के 8 और सपा के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर सपा की 2 राज्यसभा सीटों पर जीत तय है और बीजेपी के 7 कैंडिडेट की जीत आसान मानी जा रही है। ऐसे में राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। इस सीट के लिए सपा के उम्मीदवार और बीजेपी के 8वें राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ के बीच मुकाबला जारी है, लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी की जीत पक्की नजर आ रही है, क्योंकि सपा के खुद के विधायक भी अपने राज्यसभा उम्मीदवार को वोट नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को अपना सहारा जरूर दे दिया है। सपा तो अपने बागी विधायकों को लेकर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन बीएसपी के यूपी विधानसभा में एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने भी बीजेपी को वोट दे दिया है। सपा को उमाशंकर सिंह से काफी उम्मीदें रही होंगी, लेकिन उमाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, कि चुनाव में हर बार विधायक नेता अपनी पार्टियों से गद्दारी करके बीजेपी का हाथ थाम लेते हैं, कि चुनावों से पहले उन्हें कोई पैसों का एक गल्ला थमाया जाता है, क्या उन्हें बीजेपी की तरफ से कोई लालच या धमकी दी जा रही है, क्यों विपक्षी दलों के विधायक भरोसेमंद विधायक तक अपनी पार्टियों का भरोसा तोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ अपनी वफादारी निभा रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि क्या सपा को 10 में से 3 सीट मिल पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से 8वीं राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है और उम्मीदवार के खड़े होते ही सपा बसपा के विधायकों का रंग सामने आ रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि इस बार बीजेपी यूपी राज्यसभा की 10 में से 8 सीट अपने नाम कर लेगी और सपा के खाते में उसके बागी विधायकों की वजह से सिर्फ 2 सीटें ही जा पाएगी। जिस तरह से चुनावों में बीजेपी की विपक्षी विधायकों को नेताओं को खरीदने की अपने पाले में लाने की चालबाजियां सामने आती रही हैं, उसे देखकर तो लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेला हो सकता है। इसलिए विपक्षी दलों को अपने विधायकों को नेताओं को अपने साथ बनाए रखने की जरूरत है, वरना ऐसे ही विधायक बागी होते रहेंगे और विपक्षी आला कमान बस बैठे मुंह ताकते रहेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।